नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स 2019-20 में योजना और परियोजना से जुड़े प्रश्नोत्तरी को देखेंगे, जिसमें जुलाई 2019 से लेकर मई 2020 तक की योजनाओं और परियोजनाओं को पढ़ेंगे, जो आने वाले परीक्षा BEO यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी RO एवं UPPCS के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 30 मई 2020 को किसने राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल AI.gov.in लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, मई 2020 में किस प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु नामक योजना शुरू करने की घोषणा की? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु नामक योजना शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, मई 2020 में किसके द्वारा रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा। अगला प्रश्न है, मई 2020 में गुजरात सरकार द्वारा COVID-19 लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को सामान्य जीवन शुरू करने में मदद हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। और अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत निम्न मध्यम आय वर्ग के लोगों को 1 लाख रुपये का गारंटी मुक्त ऋण बैंक से कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर दिया जाएगा? तो 2% वार्षिक ब्याज पर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, 14 मई 2020 को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने हेतु शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो इसका आंसर है मतीर स्मृष्ट योजना। और अगला प्रश्न है, 13 मई 2020 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बेरोजगार युवाओं की मदद हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर होगा होप, हर जगह लोगों की मदद करना। और अगला प्रश्न है, मई 2020 में मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन्म से मृत्यु तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीबों और लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की पुनः शुरुआत की है? तो इसका आंसर है संबल नामक योजना की शुरुआत की है। और अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में संबल योजना पहली बार कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है अप्रैल 2018 में शुरू की गई थी। और अगला प्रश्न है, 9 मई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई किस योजना ने 5 वर्ष पूरे किए हैं? तो इसका आंसर है अटल पेंशन योजना APY ने। अगला प्रश्न है, 12 मई 2020 को तेलंगाना सरकार में पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में खेती को विनियमित करने के उद्देश्य से किसानों को फसल उगाने के संबंध में आवश्यक निर्देश देने की घोषणा की, जो किसान इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें राज्य सरकार की किस योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त नहीं होगा? तो यह है रायथु बंधु योजना का। और अगला प्रश्न है, 11 मई 2020 को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में देश में अपनी तरह की पहली योजना FIR आपके द्वार की शुरुआत की, यह योजना कब तक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित होगी? तो इसका आंसर है 31 अगस्त 2020 तक। और अगला प्रश्न है, मई 2020 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने अपने किस प्रमुख कार्यक्रम के माध्यम से मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित करने हेतु एक बहुसंस्थागत परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका नाम है न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव। और अगला प्रश्न है, मई 2020 में CSIR द्वारा मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित करने हेतु मंजूरी प्रदत्त बहुसंस्थागत परियोजना किसके द्वारा कार्यान्वित की जाएगी? तो इसका आंसर है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस IIT इंदौर प्रेडोमिक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसकी शुरुआत की जाएगी। और अगला प्रश्न है, मानव क्लोनल एंटीबॉडी मरीजों में किस वायरस को निष्क्रिय कर सकता है? तो यह है SARS-CoV-2 को। और अगला प्रश्न, 11 मई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय की हेल्पलाइन की शुरुआत की, शुरू की गई हेल्पलाइन का क्या नाम है? तो भरोसा इसका नाम है। अगला प्रश्न है, मई 2020 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने शोध को बढ़ावा देने हेतु किस योजना में संशोधनों की घोषणा की है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येतावृत्ति PMRF योजना।
और अगला प्रश्न है, 8 मई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा हेतु 80 किलोमीटर लंबे किस मार्ग का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है लिपुलेख धारचूला मार्ग का। और अगला प्रश्न है, 8 मई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु किस ऐप का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है प्रवासी राहत मित्र ऐप का। और अगला प्रश्न है, 8 मई 2020 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरी स्थानीय निकाय में प्रत्येक घर में 120 दिन का अकुशल रोजगार गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना का। अगला प्रश्न है, मई 2020 में कर्नाटक सरकार द्वारा बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका नाम है नाइकर सम्मान योजना का। अगला क्वेश्चन है, मई 2020 में कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई नाइकर सम्मान योजना के अंतर्गत बुनकरों को कितनी राशि की सहायता प्रदान की जाएगी? तो इसका आंसर है 2000 रुपये की। और अगला प्रश्न है, मई 2020 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो कोविड-19 महामारी से मुकाबले हेतु ड्रोन संचालित करने के लिए केंद्र सरकार की छूट प्राप्त करने हेतु राज्य संस्थाओं को सहायता करेगा? तो यह है गरुड़, गवर्नमेंट अथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। और अगला क्वेश्चन है, 4 मई 2020 को झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत राज्य भर में कितने पौधे लगाए जाएंगे? तो 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे झारखंड सरकार द्वारा। और अगला प्रश्न है, 24 अप्रैल 2020 को असम सरकार ने बाजार में उपलब्ध दवाएं सीधे रोगियों को घर पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है धन्वंतरी योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु समर्पित होकर काम कर रहे योद्धाओं के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का। और अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 में प्रमुख भुगतान ऐप फोनपे ने किसके साथ मिलकर कोरोना वायरस हॉस्पिटलाइजेशन बीमा पॉलिसी कोरोना केयर शुरू किया है? तो यह बजाज आलियान जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर है जगन्ना विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, 28 अप्रैल 2020 को मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 के दृष्टिगत लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, जीवन अमृत योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार लोगों को कौन सा आयुर्वेदिक उत्पाद वितरित करेगी? तो इसका आंसर है त्रिकुट चूर्ण। और अगला क्वेश्चन है, 25 अप्रैल 2020 को मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को घर पर मास्क बनाकर आय अर्जित करने हेतु किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है। और अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 में कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु लोगों को आवश्यक चिकित्सा मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु किस हेल्पलाइन का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर है आप्त मित्र नामक हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। और अगला प्रश्न है, 18 मार्च 2020 को किस केंद्र शासित प्रदेश ने 5 लाख रुपए की मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की? तो यह है जम्मू कश्मीर ने। और अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और उड़ीसा के बाद उद्योगों के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन है? तो यह है झारखंड। और पहले महाराष्ट्र और उड़ीसा जो स्टार रेटिंग कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं, तो तीसरा राज्य जो बन गया हुआ है झारखंड बन गया है। अगला प्रश्न है, 13 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार का सृजन करने हेतु किन 3 योजनाओं की शुरुआत की है? तो 3 योजनाएं हैं, कौशल सतरंग, मुख्यमंत्री युवा हब और मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना। और अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में कर्नाटक सरकार ने राशन कार्ड, वरिष्ठ नागरिक पहचान और स्वास्थ्य कार्ड जैसी विभिन्न सेवाओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने हेतु कुछ नगर निगम वार्डों में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यह है जन सेवक नामक योजना। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC द्वारा तीसरी प्राइवेट यानी कि निजी ट्रेन किन 2 शहरों के मध्य परिचालित की जाएगी? तो तीसरी प्राइवेट ट्रेन जो है वह इंदौर
यानी मध्य प्रदेश और वाराणसी उत्तर प्रदेश के बीच चलाई जाएगी, काशी महाकाल एक्सप्रेस इसका नाम है। और अगला क्वेश्चन है, उज बहुद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना जम्मू कश्मीर के किस जिले में निर्मित किए जाने की योजना है? तो उज नामक परियोजना यह जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में निर्मित किए जाने की योजना है। और अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारियों के साथ साथ नियोक्ताओं के समाधान के साथ ही जमीनी स्तर पर श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कौन सा नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है संतुष्ट नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। और अगला प्रश्न है, 30 जनवरी 2020 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी ने राज्य में हरित उद्योगों की स्थापना हेतु त्वरित मंजूरी प्रदान करने हेतु किस योजना की घोषणा की है? तो यह है प्रत्यक्ष CTO योजना, डायरेक्ट CTO स्कीम। अगला क्वेश्चन है, 23 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गति नामक ऑनलाइन निगरानी पोर्टल लॉन्च किया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा विकसित यह पोर्टल किस पोर्टल की तर्ज पर विकसित किया गया है? तो यह प्रगति पोर्टल की तर्ज पर विकसित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कब तक शून्य उत्सर्जन नेटवर्क के निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो यह वर्ष 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, 22 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सेल के कर्मचारियों द्वारा ऐच्छिक लोकोपकारी कार्यों को बढ़ावा देने हेतु किस योजना की शुरुआत की? तो इसका आंसर है सेल कर्मचारियों के संकल्प का प्रतिपादन और सामुदायिक कार्य की पहल सर्विस। और अगला प्रश्न है, 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में महत्वपूर्ण धार्मिक आध्यात्मिक प्राचीन सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थलों के सतत विकास एवं संवर्धन हेतु प्रत्येक विधानसभा में एक पर्यटन स्थल विकसित किए जाने हेतु किस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है? तो यह मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन नामक योजना। और अगला प्रश्न है, 5 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के डिफाल्टर आवंटियों के प्रकरण को विनियमित करते हुए एक अवसर प्रदान करने हेतु पुनः किस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? तो यह एक मुश्त समाधान योजना OTS योजना 2020। और अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में रीवा संयंत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो यह आगरा मालवा जिले में किया जा रहा है, जिसकी क्षमता है 550 मेगावाट। अगला प्रश्न, 11 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गोवा में महिला उद्यमिता के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो यह है यशस्विनी नामक योजना की शुरुआत की है। और अगला प्रश्न है, 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस बंदरगाह के लिए मल्टी मॉडल विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो यह कोलकाता बंदरगाह के लिए। और अगला प्रश्न है, 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स के बर्थ नंबर 3 के मशीनीकरण और प्रस्तावित किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो यह रिवर फ्रंट विकास योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न, 11 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोलकाता में एकीकृत स्टील हब के माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास हेतु कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो पूर्वोदय नामक मिशन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, 17 जनवरी 2020 को IRCTC द्वारा संचालित दूसरी प्रीमियम ट्रेन तेजस का संचालन किस रेल मार्ग पर शुरू किया गया? तो दूसरी तेजस ट्रेन वह अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलाई जाएगी। पहली तेजस ट्रेन जो चलाई गई थी दिल्ली और लखनऊ के बीच चलाई गई थी। और अगला प्रश्न है, 27 दिसंबर 2019 को पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC के नवनिर्मित किस सेक्शन यानी कि खंड पर डबल स्टैक मालगाड़ी का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है? तो यह मदार जो कि राजस्थान में और रेवाड़ी हरियाणा के मध्य इसका परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2019 को असम सरकार द्वारा उच्च अध्ययन के लिए राज्य के छात्रों को मदद प्रदान करने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यह अभिनंदन नामक योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, 23 दिसंबर 2019 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार किस योजना में निवेश करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को आधार नंबर का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है? तो यह प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना PMVBY। अगला क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल भूजल योजना, अटल जल जिसको कहा जाता है, की शुरुआत की।
यह भूजल का संरक्षण तथा इसका स्तर बढ़ाने के लिए कितने राज्यों में शुरू की गई है? तो यह 7 राज्यों में शुरू की गई है, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। तो भूजल, अटल भूजल नामक योजना की शुरुआत 7 राज्यों में की गई है, जो कि गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, 30 दिसंबर 2019 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पुरी ने बायोमेट्रिक युक्त केंद्रीकृत पहुँच नियंत्रण प्रणाली CAACS और EBCS यानी कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो परियोजना के प्रशिक्षण मॉड्यूल का शुभारंभ किया। EBCAAS परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 1.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को मानवीय प्रक्रिया के बजाय डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षण हासिल करने में मदद प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और अगला प्रश्न है, 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन दिवस के अवसर पर जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन हेतु परिचालन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। इस मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक देश में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने के पानी की आपूर्ति हेतु घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है? तो यह वर्ष 2024 तक। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में भारतीय रेलवे ने किन दो शहरों के बीच नई ट्रेन हिमदर्शन एक्सप्रेस की शुरुआत की है? तो यह कालका जो कि हरियाणा में है और शिमला हिमाचल प्रदेश के बीच ट्रेन चलाई जाएगी, हिमदर्शन एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक भारत नेट परियोजना के माध्यम से देश भर के सभी गाँवों में मुफ्त वाईफाई सेवा प्रदान करना है? तो मार्च 2020 तक देश भर के सभी गाँवों में मुफ्त वाईफाई सेवा प्रदान करना है। और अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा केरल सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के मध्य का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है सिल्वर लाइन परियोजना। अगला प्रश्न है, 20 दिसंबर 2019 को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने निर्भया फंड के तहत 1023 फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना सहित कितनी राशि की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर है 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, 21 दिसंबर 2019 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने अनंतपुर जिले के धर्मावरम में हथकरघा बुनकरों को वित्तीय मदद प्रदान करने के लिए एक योजना का शुभारंभ किया। शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो इस योजना का नाम है YSR नेतन्ना नेस्तम यानी कि बुनकर मित्र योजना। अगला प्रश्न है, 18 दिसंबर 2019 को किस राज्य में IM शक्ति इंदिरा महिला शक्ति योजना शुरू की गई है जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है? तो यह राजस्थान में शुरू की गई है। और अगला प्रश्न है, 18 दिसंबर 2019 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसको शॉर्ट फॉर्म में PMGSY कहा जाता है, कि तीसरे चरण का उद्घाटन किया। तीसरे चरण के तहत वर्ष 2019 से 20 और 24 से 25 की अवधि तक कितनी लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा? तो 1,12,500 किलोमीटर तक सड़कों का निर्माण किया जाएगा। और अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तीसरे चरण के तहत सड़कों के निर्माण पर कुल अनुमानित लागत राशि कितनी है? तो यह 80,250 करोड़ रुपये इसकी अनुमानित लागत राशि है। और अगला प्रश्न, 18 दिसंबर 2019 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से जल वितरण और उपभोक्ता प्रबंधन में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को जोड़ने हेतु भुवनेश्वर में किस पहल की शुरुआत की? तो इसका आंसर है जल साथी पहल की शुरुआत की गई है। और अगला प्रश्न है, 16 दिसंबर 2019 को मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा किसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु MPE Police नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो यह महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु। अगला प्रश्न, दिसंबर 2019 में किस राज्य सरकार ने राज्य में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग लोगों को सहायता प्रदान करने हेतु दो सामाजिक कल्याण योजनाएं विजय मृतम और सहचरी की शुरुआत की है? तो यह केरल सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, विजय मृतम और सहचरी नामक योजना। और अगला प्रश्न है, 17 दिसंबर 2019 को वाणिज्य विभाग में सचिव और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM के चेयरमैन अनूप बधावन ने 19 दिसंबर 2019 से
17 फरवरी 2020 तक संचालित किए जाने वाले राष्ट्रीय पहुंच कार्यक्रम GEM संवाद का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो रहे हैं? तो इसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो रहे हैं। तो भारत में जो वर्तमान में हैं वो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं और दादर नगर हवेली और दमन दीव को विलय करके 1 कर दिया गया है, जिसकी राजधानी बनाई गई है दमन को। और अगला क्वेश्चन है, 10 दिसंबर 2019 को राजस्थान के पोखरण में शुरू की गई मरुगंधा परियोजना किसके सहयोग से शुरू की गई है? तो यह HDFC बैंक और उर्मूल ट्रस्ट बीकानेर के सहयोग से शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा हुनर हाट का आयोजन किस योजना के तहत किया जाता है? तो यह उस्ताद योजना के तहत हुनर हाट का आयोजन किया जाता है। और अगला प्रश्न, दिसंबर 2019 में उड़ीसा सरकार द्वारा आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता, जिसको कालिया योजना के तहत प्रतिवर्ष प्रदत्त सहायता राशि को 10,000 रुपये से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 10,000 से घटाकर इसे 4,000 कर दिया गया है। अगला प्रश्न, उड़ीसा सरकार ने केंद्र सरकार की किस योजना के साथ आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता, जिसको कालिया योजना कहा जाता है, का विलय किया है? तो यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि PM किसान योजना के साथ विलय किया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना हेतु कितनी राशि निर्भया फंड से मंजूर की गई है? तो यह 100 करोड़ रुपये निर्भया फंड से मंजूर की गई हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2019 में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए स्मार्ट लर्निंग एप्लीकेशन मधु ऐप लॉन्च किया है? तो उड़ीसा सरकार द्वारा मधु ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, 2 दिसंबर 2019 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर YSR आरोग्य श्री आसरा योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत राज्य सरकार आराम के दौरान मरीजों को प्रतिदिन या प्रतिमाह कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? तो इसका आंसर है 225 रुपये प्रतिदिन या 5,000 रुपये प्रतिमाह वह सहायता राशि प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन, 21 नवंबर 2019 को आंध्र प्रदेश सरकार ने YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत मछुआरों को अप्रैल से जून की अवधि में मत्स्यन प्रतिबंध के दौरान राज्य सरकार कितनी राशि मौद्रिक राहत के रूप में प्रदान करेगी? तो यह 10,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 16 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर खाद्य सुरक्षा मित्र योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपको पता है खाद्य सुरक्षा यानी कि विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना और ईट राइट इंडिया अभियान को और अधिक व्यापक बनाना। अगला प्रश्न है, 15 अक्टूबर 2019 को मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में अवसर सृजित करने और पर्यटकों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नवीन योजनाओं के प्रवर्तन के क्रम में किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर है बेड एंड ब्रेकफास्ट स्थापन योजना। अगला क्वेश्चन है, 15 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिए भारत के विभिन्न शहरों में कितने अधिकृत वर्ल्ड स्किल इंडिया सेंटर AWSITC शुरू किए जाने की घोषणा की? तो इसका आंसर है 14। स्किल इंडिया सेंटर शुरू किए जाने की घोषणा की है। तो अगला क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने माँ और नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा हेतु निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो इसका आंसर है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना या कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सुमन कहा जाता है। अगला प्रश्न, 10 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय में प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत चयनित प्रत्येक छात्र क्या कहलाएगा? तो इसका आंसर है ध्रुव तारा। यह क्वेश्चन UPSC में भी हाल ही में पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन है, सेवाओं के पारस्परिक आदान प्रदान हेतु मध्य प्रदेश के किस विभाग ने टाइम बैंक की स्थापना की योजना बनाई है? तो इसका आंसर है हैप्पीनेस विभाग ने। और अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पाद
पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक निर्मित की गई है? तो यह मोतिहारी बिहार से अमलेखगंज नेपाल तक निर्मित की गई है। अगला प्रश्न है, 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के साहिबगंज में गंगा नदी पर निर्मित भारत के दूसरे मल्टी मॉडल टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित किया। इस टर्मिनल का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो जलमार्ग विकास परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 9 सितंबर 2019 को CPWD के सहयोग से कौन सी परियोजना ऋषिकेश की एम्स में कार्यरत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के कल्याण हेतु शुरू की गई है? तो बाल बसेरा क्रेच नामक परियोजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना ABMGRSBY राज्य में कब से लागू की गई है? तो यह 1 सितंबर 2019 से लागू की गई है। अगला प्रश्न है, 3 सितंबर 2019 को दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग हेतु प्रदत्त आर्थिक सहायता को 40,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2019 में किस राज्य की पुलिस ने सी प्लान ऐप लॉन्च किया? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सी प्लान ऐप लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला बैंक कौन है जिसने अपने चेष्टों पर मुद्रा की गिनती हेतु रोबोटिक आर्म्स की तैनाती की है? तो यह है ICICI बैंक। अगला क्वेश्चन है, 30 अगस्त 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल में स्पोर्ट्स इंजरी केंद्र विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी? तो इसका आंसर है सफदरजंग अस्पताल में। अगला क्वेश्चन है, 29 अगस्त 2019 को किस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आकांक्षी और भावी नियुक्ताओं के लिए एविएशन जॉब्स पोर्टल शुरू किया गया है? तो यह नागर विमानन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 28 अगस्त 2019 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विश्व के सबसे बड़े ऑनलाइन जंक्शनों में शामिल एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन स्कूल एजुकेशन सगुन का शुभारंभ कहाँ किया? तो इसका शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है, 14 जुलाई 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में इस्माइल मशाल ज्योति आशीर्वाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम किस संस्था द्वारा संचालित है? तो यह इस्माइल ट्रेन संस्था द्वारा संचालित है। अगला प्रश्न है, 3 अगस्त 2019 को किस राज्य में समाज में लड़कियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करके बालिका जन्म दर में सुधार लाने उनकी स्कूल ड्रॉप आउट दर और बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से वहली ड्रिकी योजना शुरू की गई है? तो यह गुजरात में शुरू की गई है। अगला प्रश्न, जुलाई 2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको यूनेप कहा जाता है और किस देश ने पारे के घातक प्रभावों को रोकने हेतु एक नई परियोजना शुरू करने की घोषणा की जिसके तहत एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक क्षेत्रीय पारा निगरानी प्रयोगशाला नेटवर्क की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर है जापान ने। अगला प्रश्न, सर्वत सेहत बीमा योजना SSBY नामक प्रमुख सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना 1 जुलाई 2019 से किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह पंजाब में शुरू की गई है सर्वत सेहत बीमा योजना। अगला प्रश्न है, धुएं से मुक्त रसोई का माहौल प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट चूल्हा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया है प्रोजेक्ट चूल्हा। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी पर निर्मित कलेश्वरम सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह तेलंगाना राज्य में स्थित है कलेश्वरम सिंचाई परियोजना। तो दोस्तों, ये था करंट अफेयर्स से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जिसमें योजनाओं और परियोजनाओं से जुड़े हम प्रश्न को देखे हैं जो आने वाले परीक्षा BEO यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी RO यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी UPPCS इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।